Ja, jag ser inte på grann att jag tappar dem. Kan det inte finnas inte. Det är ett sätt att fasta på mig till video i Indien. पूजा चंदा हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी लोगों को, श्री राधे, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और नैन्सी चाय बना चुकी हैं, सजा रही हैं अभी। हाँ दे देना, एक हाथ इसको भी दे देना। चाय नाश्ता अभी तैयार कर चुकी हैं, सबकी प्लेट सज रही है, सब सो के उठ चुके हैं। इधर नहीं दिखाएंगे, अंधेरा है, उजाले में कुछ दिखता नहीं है, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं। सजाई है तीन प्लेट, एक यस्सु की, एक गोलू की, एक अपनी। आपके लिए नहीं, हमको हाथ ही में दो बिस्किट दे देना, हम खा लेंगे रानी। बस दवाई खानी है, धोलने वाली बात नहीं है। मैं खुद धोने की बात ही नहीं होती। जब मैं सब काम कर लेती हूँ, बर्तन भी कौन सा बड़ा है, धो लूंगी तो सज रहा है। वीडियो में बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी लोग। वो तो मैंने किया था तो चलो आगे बोल दो कुछ भी। तो गाइस अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और मैं खाना बना रही हूँ। खाने में आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ, जूस वाली, और इधर चावल है, चावल चढ़ाने जा रही हूँ। तो अभी सब्जी चावल रोटी बनेगी, दाल नहीं बनेगी। एक तरफ चावल चढ़ाऊंगी, एक तरफ सब्जी सोखूंगी, फिर आटा लगाऊंगी। देर हो जाती है, संडे था, कल रात में वीडियो एडिट नहीं किया था, नींद लग रही थी तो जल्दी सो गई थी। तो सुबह में उठी वीडियो एडिट करने, 7 बजे से वीडियो एडिट करने लगी, 9:30-10 हो गया। एक बार पूरा वीडियो एडिट कर लिया, पूरा उल्टा पुल्टा हो गया, आगे का पीछे का मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। तो दोबारा से फिर डिलीट करके फिर से एडिट किया सारा वीडियो, तो इतना टाइम लग गया। उसके बाद काम वगैरह करके तब नहाया धोया, तब फिर खाना पीना, चाय नाश्ता मैंने इसी बनाई थी। और मैं खाना में लगी हूँ, खाना बन जाएगा जल्दी। एक तरफ जल्दी सब्जी छोड़ने जा रही हूँ, चावल चढ़ा दूंगी, आटा लगा दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर। सब्जी मेरी बन चुकी है गाइस, आलू मटर की, चावल भी बन चुके हैं, अब रोटी बनाऊंगी। बोलना भी होता है। हमने यहाँ पे एक पार्सल आया भैया का, भैया ने कुछ मंगाया था, देखते क्या है अंदर, बहुत बड़ा तो दिख रहा है। अमेज़न से आया है, भैया ने अपने लिए मंगाई थी। लो
लगाओ चीनी, वो चीनी नहीं, वो भैंस के दूध लाओ। स्पेशल कुल्लड़ वाली चाय, आज मनोज तिवारी चाय बना रहे हैं। एक मिनट के पंखा बंद करो, बोल दो। आज मनोज तिवारी चाय बना रहे हैं, पता नहीं क्यों बना रहे हैं, नहीं पता, पर बना रहे हैं बहुत सालों बाद। नहीं तो चाय पहले बनाया करते थे कभी कभार, आज बना रहे हैं। अपने पापा को पैसा दिए हैं, उसके खुशी में बना रहे हैं, शायद इसीलिए बना रही हूँ। बाकी ये बच्चा तो पढ़ता ही रहता है सुबह से रात तक, काम तो भाई। जब ये चाय बन रही है, चाय आज मनोज तिवारी बना रहे, मैंने बताया आप लोगों को, पता नहीं क्यों बना रहे पर बना रहे। मैंने से पानी भर के रखी हूँ, चिड़िया को चावल डाली हूँ, रोज सवेरे भर के रख देती हैं, चावल डाल देती हैं। मैं सो गई थी, अभी जस्ट उठी हूँ। ये दवाई अब नहीं खाऊंगी, इस दवाई से मुझे बहुत सुस्ती आ जाती थी, अभी तक मैं ठीक रहती थी, जब से ये दवाई खाने लगी है, जो सेकंड वाली दवाई इस बार दिए हैं, इससे मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है। मुझे लगता है कि मैं बस सोती रहूं, मेरे दिमाग ऐसा लगेगा जैसे पागल जैसे हो जाएगा, ऐसा लगता है इस दवाई। थैंक यू। इसको नहीं खाऊँगी, दिखाऊँगी कल जाके, दिखा के बद बोलूँगी कि दूसरी दवाई दीजिए। आँख वाँख सभी पूरा दिए, देखिए इतना सूज जाता है, अभी लगेगा सुबह जैसी होगी लगेगा, कितनी जल्दी उठूँ कितनी जल्दी, मतलब जैसे सुबह वही सेम टाइम उठ भी जाऊँगी वो ऐसा लगेगा जैसे कि मतलब कितना जल्दी मैं सुबह काम करके लेट जाऊँ और बस सो जाऊँ, जबकि मैं इतना सोने वाली कभी भी नहीं थी, मैं कभी सोती नहीं थी इतना ज़्यादा, दोपहर में भी कभी इतना ज़्यादा नहीं सोती थी, रात में भी चाहे जब उठ सोऊँ सुबह मैं जल्दी उठ के अपना काम वाम करने लगती थी। जाऊँगी तो बोलूँगी उनसे कि दवाई मैं नहीं खाऊँगी, इससे मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही है, चेंज करके देंगे। चाय पी लूँ पहले, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। क्या हुआ है? है?
उसी को तुम बार बार सोचो ही ना, तुम उसको दिमाग में लेके बैठे हो। देखो क्या हिसाब से पानी डाल रहे हो बेटा। हाँ ठीक है मोटे। अच्छा मोटे आजकल उसकी दुकान में बहुत भीड़ रहती है। किसके? उसी की दुकान पे। देख नहीं होता है सब का। एक नेपाल का है वो बनाता है। क्या बनाता है? बस अपने अपने घर से स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है। बच्चा? बच्चा नहीं है। इतना मेहनत करे के बाद निकल जाता बेटा। I tried so hard मम कहीं। सो गाइस अभी रात के 7:30 बज रहे हैं। अभी मैं चाय बना रही हूँ और सब्जी भी काट रही हूँ, साथ ही साथ में कुंदरू की सब्जी बना रही हूँ। आज फिर कुंदरू आया, एक कल आया था तो सब लोगों को पसंद आ गया, बच्चों को, तो आज फिर वही चीज आ गया है। तो अभी रात के खाने की तैयारी हो रही है और चाय भी साथ ही साथ में बन रही है। यहाँ पे सभा लगी हुई है। ये अभी बाल धो के नहाई हैं, पूजा करी हैं, पूजा कर उठ चुकी हैं। यहाँ पे अस्सू आज बाल कटा के आया है, हीरो लग रहा है, बता रहा है आज मैं हीरो लग रहा हूँ। कुछ बोलोगे बेटा? काहे ना 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 वो बोला एक बा। आज जमाई की छुट्टी है तो रेस्ट पे हैं, लेकिन सवेरे से कई बार भाग भाग के नीचे गए। आज गजनी कट बाल कटाए हैं। कौन सा कट? धो हनी सिंह कट। और इधर भाई साहब आए हैं, दिखा दें। चाय और दाल मोटी नहीं को बना रही थी, चाय बना रही थी उनके लिए। हाँ मैं भी पीऊँगी। कैमरा ख़राब हो गया था, धुंधला धुंधला दिख रहा था कल से, इतना वीडियो परसों से वीडियो ख़राब बन रहा है और बार बार परेशान हो जाए। वीडियो बनाया एकदम धुंधला, अभी देखो सही हो गया। तो लगता है कि मेरी चाय भी रखी तो मैं पीऊँगी अब। सब्जी भी साथ ही मैं काटूँगी, दूध पहले उबाल दूँ। एक पैकेट दूध आया था, एक पैकेट अभी भाई साहब आए तब ले के आए हैं। आज फिर यही लगा हुआ था, ये गिरा है ना, यही कैमरे में लग गया, लगा हुआ था। पता नहीं कहाँ से लग जाता है, उठा के देखो। इसी की वजह से वीडियो बिल्कुल धुंधला आ रहा था और मैं इतनी देर से सही कर रही थी। वो अब्बू अब ना बोलवा चपक गया वो। मौसा जी का एक्सपीरियंस है, आज ये बार कटा के आया तो कहा था हम आज बहुत हीरो लगे थे। अपने आप ऐसे बोल रहे बहुत हीरो लग रहा हूँ। रानी भी हीरोइन लग रही, चंदन उंदन लगाई हैं। रानी टीका दिखा दो अपना, नहीं दिख रहा है। रानी भी पूजा अब जाके चुपचाप बैठ गया। अब बोलोगे नहीं, शर्मीले हो, कुछ तो बोलो। एक जने खा पी चुके हैं, इनको आलू मटर की सब्जी ही खानी थी, कुंदरू बना रही थी तो बोले कुंदरू नहीं खाऊंगा। दोपहर में आलू मटर जूस वाली बनाया था तो खा पी चुके हैं, हम नहीं खाएंगे। अब बचे हैं 3-4 लोग हम लोग, तो खाना बन चुका है और अच्छा आएगा उसी से करना। हेलो करो, आज मैं बना रही हूँ। आज मदर्स डे है तो मैंने मम्मी को थोड़ा गिफ्ट दे दिया है। एक तो देखो कैमरा यहाँ होता है, मैं देखती हूँ खुद को। ऐसे मेरे साथ भी स्कैम होता है, कैसू के साथ भी अभी स्कैम हो गया। वो एक घंटा हो गया होगा ना, समथिंग एक घंटा हो गया होगा। मोबाइल चार्जिंग में लगाया था, चार्जर चालू नहीं किया। और ये सबसे बुरा दुख होता है कि अगर आप फोन चार्जिंग में लगाओ और बड़े चालू ना हो या मैं चार्ज ना हो। बड़े खुशी से यार मोबाइल देखने की चार्ज हो गया, अगर निकाल लूँ तो तुरंत ही देखा तो बटन ही नहीं चालू थी, फिर चालू वालू करके गया। अभी अब आए जब मैं रोटी चारी बनाने और लोग बताया मैंने खा चुके हैं और दो नैन्सी खाएंगे अभी। और
उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेगी आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।